दोस्तों ये जो गाड़ी है ये है मारुति की डिजायर, और मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर बहुत ज्यादा बताता रहता हूँ कि BS6 में कौन कौन सी गाड़ी में हम किट लगा रहे हैं। तो ये भी मेरे पास गाड़ी आ गई है मारुति की स्विफ्ट के अंदर, ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, स्विफ्ट में बहुत बढ़िया चलती है। तो सेम वही इंजन है, स्विफ्ट वाला इंजन है। ये है डिजायर 12 CC की गाड़ी है मारुति की। जो ये गाड़ियां हैं 12 CC की, इसमें मीजो ने अप्रूवल लिया हुआ है। फिलहाल ये जो गाड़ी है ये दो आती हैं, एक तो आती है आपकी 4 इंजेक्टर के अंदर, एक आती है आपकी 8 इंजेक्टर के अंदर। इस गाड़ी के अंदर थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें लगाया है हमने। ये जो गाड़ी है इसके अंदर हमने लगाया हुआ है मीजो का किट, जिसके अंदर ECM जो है वो 48 पिन का है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात ये है कि BS6 के अंदर, मारुति के अंदर और हुंडई के अंदर जो ECM आया हुआ है वो बहुत फाइन ECM आया हुआ है। एक अंदर यहाँ पर हमने लगाया हुआ है जो कि 8 इंजेक्टर की डिवाइस है, ये हमने इस पर लगा चुके हैं। 8 इंजेक्टर की डिवाइस के बाद परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग निकल के आती है। कोई किसी भी तरह का एमुलेटर यूज़ नहीं किया इसके अंदर। वायरिंग की अगर बात करते हैं, सारी की सारी वायरिंग हमने ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट कर दी है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा ध्यान में रखा हुआ, जितने भी जॉइंट्स हैं सब पे क्लैंपिंग की हुई है। अब अगर बात करते हैं कि बैक साइड से इस गाड़ी के अंदर हमने सिलेंडर जो लगाया है वो लगाया है हमने 12 किलो का। ब्रांड की अगर बात करते हैं तो अप्रूवल्स के अकॉर्डिंग इसमें हमने EKC का सिलेंडर लगाया हुआ है। ये जो सिलेंडर हमने 60 लीटर का सिलेंडर लगाया है, इसके बाद गैस इसमें आएगी 8 से 8.5 किलो। दोस्तों ये जो फ्रेम है बहुत अमेजिंग फ्रेम लगाया हुआ है। बूट स्पेस तो आप देख सकते हैं, ये बूट स्पेस पूरा बचा हुआ है, कितना भी लगेज इसमें आप रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि गैस फिलिंग की, तो इसके अंदर से गैस फिलिंग जो है वो बैक साइड से हमने की हुई है। सर एक बार कैप खोल दीजिएगा। अब ये जो गाड़ी है कंप्लीट कन्वर्ट हो चुकी है, जैसे कि कंपनी फिटेड गाड़ी है। आप पंप पे जाओगे, यहाँ से आप इसको खोलोगे और गैस फिल करा लोगे, बहुत बढ़िया फील भी आता है, आपका बोनट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, अलाइनमेंट आउट नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं टेस्ट ड्राइव की, तो इस गाड़ी की हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव ली है। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद गाड़ी का जो एक्चुअल फीडबैक है वो इस कार के ओनर खुद बताएंगे। वैसे जो ये गाड़ी है परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी आ रही है, माइलेज तो इसका 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद पता लगेगा। दीपक सर थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बारिश का मौसम है, कि ये जो गाड़ी है आप मेरे पास सेकंड कार लेके आए, उससे पहले आपने काफी गाड़ियां भेजी हैं CNG लगवाने के लिए। सबसे पहले नेक्सॉन लगवाई थी, तो मैं इसको लगा देता हूँ। मेरा माइक खराब हो गया सर, तो ये वायर वाला यूज कर रहा हूँ आज। सबसे पहले नेक्सॉन में लगवाई, सबसे पहले आपने नेक्सॉन लगवाई थी जो सबसे टफ कार रही है। टफ कार रही है, फिर मैंने अपने फैमिली से फीडबैक कैसा, नेक्सॉन तो ऑसम चल रही है, ऑसम चल रही है। कितना टाइम हो गया उसको? उसको लगभग हो गए 3 साल। आज भी बढ़िया चल रही है। फिर उसके बाद मैंने फैमिली से टाटा टियागो भेजी, वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया चल रही है। अब ये तीसरी गाड़ी यार, ये BS6 में आपको वेट कर रहे थे काफी टाइम से, अभी आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा था, मैंने कहा अप्रूवल के बाद ही लगवाऊंगा मैं। कैसी चल रही गाड़ी अब तो बढ़िया चल रही है, अभी टेस्ट ड्राइव लेके आया हूं, मस्त चल रही है मक्खन। तो दोस्तों BS6 में अप्रूवल्स आ चुके हैं, 12 CC गाड़ी है, मीजो का अप्रूवल आया हुआ। तो आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।